हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे मेरी तरह और आगे भी अच्छे रहें। सो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये कहाँ जाकर बैठा है। तो दोस्तों, ये वो जगह है जो हर किसी को सुकून देती है। शांत वातावरण, शांत माहौल। मेरे घर से कुछ दूरी पर ही ये पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। देखिए, ये ऊँची चोटी है और यहाँ से दोस्तों जो व्यू मिलता है उसका तो फिर क्या कहना। ये देखिए, सुबह का सूरज। ये जो छटा है ना दोस्तों, बयान नहीं कर सकता हूँ। आनंद सा महसूस होता है, लगता है कि अभी भी मैं जिंदा हूँ। कुछ व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। पता है दोस्तों, ज़िंदगी में हर एक इंसान ये सोचता है कि वो खुश रहे, और उसका हक भी है खुश रहना। लेकिन अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वो ये भूल जाता है कि यार कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो अकेले में मैं जीऊँ। क्योंकि अकेले में जब इंसान होता है ना दोस्तों, तो वो खुद के साथ होता है। और मैं जब खुद की लाइफ अकेले में जीना चाहता हूँ, तो मैं ऐसी किसी वीरान सी जगह पर जाता हूँ, किसी चोटी पे, पर्वत पे, क्योंकि वहाँ खुद से मुलाकात होती है। और उस मुलाकात में ही खुद को ही महसूस होता है कि मैं जिंदा हूँ। आप व्यू के मज़े लीजिए।
सो आप लोग सोच रहे होंगे कि जगह तो बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल जितनी ब्यूटीफुल जगह है ना दोस्तों उतना ही खूबसूरत इसका नाम भी है। जी हाँ, ये अपना वड्डा है, हमारा वड्डा, एक कस्बा कह सकते हो, एक हिल स्टेशन कह सकते हो। चारों तरफ ऊंची ऊंची पर्वतों से घिरा हुआ हमारा वड्डा एक अलग ही निखार देता है, लगता है कि ये भी किसी जन्नत से कम नहीं है। कि दोस्तों सही कर रहा हूँ ना, और अगर सही कर रहा हूँ तो फिर कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, करिए यार। वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबाएंगे, तभी तो हमारी वड्डा का नाम रोशन होगा, क्योंकि हम ऐसे ही ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों जहाँ भी इंसान का घर होता है वो जगह उसके लिए खूबसूरत ही होती है, लेकिन दोस्तों अपने पहाड़ की बात ही कुछ अलग है, निराली है, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, आप बड़ी मेट्रो सिटीज पर चले जाइए, लेकिन वहाँ के शोर शराबे में वो उस हड़बड़ाहट सी ज़िंदगी में वो मज़ा ही नहीं आएगा जो आपको अपने पहाड़ पे आएगा, क्योंकि पहाड़ों की बात ही निराली है। यहाँ का ठंडा पानी, यहाँ की मीठी बोली, और सबसे बड़ी बात ये हमारी देवभूमि है, और देवभूमि हर पहाड़ी के दिल पे बसती है। दोस्तों हम कहीं भी चले जाएं, पहाड़ के जो नवयुवक हैं वो जॉब की तलाश में बहुत दूर दूर जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि जब भी वो बंदे मतलब अपने घर आते हैं अपनी छुट्टियों में, तो वो ये सोचते हैं कि यार आखिर क्यों हमने जाना पड़ रहा है। वो भी क्या करें, क्योंकि उनकी भी तो मजबूरी है, बच्चे पालने हैं, पेट पालना है, ज़िंदगी में आगे भी तो बढ़ना है। लेकिन मित्रों सच्चा पहाड़ी वही है जिसके दिल में मरते दम तक पहाड़ बसता है, पहाड़ की यादें बसती हैं। तो आज मैंने आपको कुछ झलकियाँ दिखाई, आगे भी दिखाता रहूँ, बस अब बार बार तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा जो कहा है वो भूलिएगा मत, बेल आइकन लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो ऐसे ही मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, खुश रहिए।